सुप्रभात बच्चों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण भाग से तीसरे अध्याय शब्द के अभ्यास कार्य की चर्चा करेंगे। आपके अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताओ। इस प्रश्न का हल आप पिछली कक्षाओं के गृह कार्य में कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है लोटे नफो, तो इससे सार्थक शब्द होगा टेलीफोन। उसी प्रकार दूसरा सार्थक शब्द होगा किताब, तीसरा होगा अलमारी, उसके बाद पुस्तक, फिर कपड़े और हिरन। तीसरे प्रश्न में आपको एक सीढ़ी दी गई है, उसमें आपको शब्द लड़ी पूरी करनी है। इस सीढ़ी में पहला शब्द बनता है रजाई, उसके बाद बनता है ईख, उसके बाद खरगोश, फिर श से शलगम, फिर म के बाद मछली, लीची, फिर चील और अंत में बनता है लड़का। इस प्रकार यह सब लड़ी पूरी होती है। चौथा प्रश्न है, मिलान करो। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके ध्वनि वर्धक शब्द से आपको उनका मेल कराना है। पहला शब्द है बादल। बादल की ध्वनि कैसी होती है, गड़गड़। दरवाजा, दूसरा शब्द है दरवाजा। दरवाजा कैसी आवाज़ करता है, चरचर। तीसरा शब्द है हवा। हवा करती है सय सय। चौथा है घड़ी। घड़ी कैसी आवाज़ करती है, टिक टिक। पांचवा शब्द है घंटी। घंटी करती है टन टन। छठा शब्द है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी किस प्रकार की ध्वनि या फिर आवाज़ करती है, छुक छुक। तो बच्चों, ये था शब्द अध्याय का अभ्यास कार्य। आप आज पढ़ाए गए प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और दिए गए गृह कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।